शायद हैरानी हो कि तांबा बनाने का आविष्कार सबसे पहले मिस्र में ही किया गया। टूथब्रश को बनाने की तकनीक भी मिस्र में ही ईजाद की गई थी। मिस्र के काजी अल नोमान ने ही सबसे पहले फाउंटेन पेन को ईजाद किया था। मिस्र आज भी हर साल $8 बिलियन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपने प्यारे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। सो गाइस, आज की जो वीडियोस होने वाली है ऑसम होने वाली है और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि आज अपन जानने वाले हैं कि 5 ऐसे मुस्लिम कंट्री जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और उनसे उलझना है मतलब कि बहुत बड़ी गलती होने वाली है। लेकिन ऐसी कौन कौन सी ऐसी 5 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा मजबूती से अपने आप को स्ट्रोंग करके हैं। सो गाइस, वो पूरी दुनिया में उनकी बोला जाए तो एक तरीका से उनके नाम का डंका बजता है। तो सो गाइस, चलते हैं जानने की कोशिश करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को भी काफी इंफॉर्मेटिव लगेगी। सो गाइस, चलते हैं वीडियो पर, बाकी बातें बाद में। ये हैं दुनिया के वो 5 ताकतवर मुस्लिम देश जिनके आगे किसी की नहीं चलती। प्रसिद्ध मैगजीन फोर्ब्स के सर्वे के मुताबिक ये देश इतने शक्तिशाली हैं कि इनकी एक आवाज पर पूरी दुनिया एकजुट हो जाया करती है। इन मुस्लिम देशों के आगे अमेरिका जैसा देश भी घुटने टेकता नजर आता है। दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देशों की लिस्ट में पहला नाम तुर्की का आता है। तुर्की दुनिया का पहला देश था जिसने सबसे पहले रोबोट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। इसके जरिए बनाया गया TB2 ड्रोन आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन माना जाता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान परमाणु बम बनाने की भी घोषणा कर चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुर्की हर साल रक्षा बजट पर $18 बिलियन की धनराशि खर्च करता है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे कई देश खरीदे जा सकते हैं। दुनिया में आज भी 87 देश ऐसे हैं जिनकी कुल GDP तुर्की के रक्षा बजट से भी कम है। तुर्की दुनिया का अकेला देश है जिसकी सेना अपने बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ये सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका, रूस, जापान और चीन के बाद दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश माना जाता है। तुर्की के पास आज 3800 से अधिक कॉम्बैट टैंकर और 1000 से अधिक रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। तुर्की द्वारा बनाए गए हथियार आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देशों की लिस्ट में दूसरा नाम सऊदी अरब का आता है। ये दुनिया में सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला देश है। इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा बजट सऊदी सरकार पास करती है। दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं जो सऊदी अरब के पास मौजूद ना हो। WPR के सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब को दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। ये दुनिया का 9वां सबसे ताकतवर देश माना जाता है। सऊदी अरब की कंपनी आरामको आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। सऊदी अरब हर साल हथियारों पर $82 बिलियन की धनराशि खर्च करता है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे भारत के रक्षा बजट को 4 बार खरीदा जा सकता है। सऊदी अरब दुनिया का अकेला देश है जिसके पास युद्ध के लिए सबसे ज्यादा रिजर्व तेल मौजूद है। इस्लाम धर्म का केंद्र बिंदु होने की वजह से सभी मुस्लिम देश सऊदी अरब का समर्थन करते हैं जो इसे और भी शक्तिशाली बना देता है। दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देशों की लिस्ट में तीसरा नाम पाकिस्तान का आता है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु शक्ति मौजूद है। इसे एशिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान आज भी परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान हर साल हथियारों पर $7.5 बिलियन की धनराशि खर्च करता है। इसके पास 3000 से अधिक टैंक और 923 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सऊदी सेना को प्रशिक्षण देने का काम पाकिस्तानी फौज करती है। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर मुस्लिम आर्मी का खिताब भी दिया जा चुका है। पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल सलाम ने ही हिग्स बोसोन की खोज की थी। वो पाकिस्तान के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों की लिस्ट में चौथा नाम मिस्र का आता है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। 5 लाख फौजियों पर आधारित मिस्री सेना दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जिनके पास सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। मिस्र दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्बैक्ट टैंक रखने वाला 6ठा सबसे बड़ा देश है।
आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि तांबा बनाने का आविष्कार सबसे पहले मिस्र में ही किया गया। टूथब्रश को बनाने की तकनीक भी मिस्र में ही ईजाद की गई थी। मिस्र के काजी अल नोमान ने ही सबसे पहले फाउंटेन पेन को ईजाद किया था। मिस्र आज भी हर साल $8 बिलियन की धनराशि हथियारों पर खर्च करता है। मिस्र के वैज्ञानिकों ने ही सेना को ताकतवर बनाने के लिए सबसे पहले वाईफाई नेटवर्क की खोज की। मिस्र के पास आज 1474 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और 1133 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जो बड़े पैमाने पर खुद हथियारों का निर्माण करते हैं। दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों की लिस्ट में 5वां नाम ईरान का आता है। ये पाकिस्तान के बाद अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम बनाने की तकनीक मौजूद है। इसके पास 50 से अधिक रडार सिस्टम मौजूद हैं। ईरान के पास मौजूद असर रडार द्वारा समंदर में 200 किलोमीटर तक दुश्मनों का पता लगाया जा सकता है। ईरान दुनिया का तीसरा देश है जिसके पास GTL टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि ईरान हर साल 11 बिलियन से अधिक की धनराशि हथियारों पर खर्च करता है। ईरान अधिकतर हथियारों का निर्माण खुद करता है। उसके बनाए गए हथियार आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया का पहला गैस लेजर ईरान के वैज्ञानिक अली जवान ने ही बनाया था। इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाले केबल मॉडम की खोज ईरान में पैदा होने वाले रोजबे यासीनी ने ही की थी। इन सब के अलावा दुनिया में बहुत से मुस्लिम देश हैं जिनकी ताकत और शक्ति से दुनिया खौफ खाती है। तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों के आगे अमेरिका भी घुटने टेकता नजर आता है। आपको किस मुस्लिम देश ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं। ऑसम लगी यार बॉस, इनकी जो यार नॉलेज थी ना ऑसम लेवल की थी। इन्होंने जो लिस्ट बनाई है ऑसम बनाई है और बहुत बेहतरीन बनाई है कि इन खूबियों की वजह से ये मुल्क और ये मुस्लिम मुल्क इसमें शामिल हो सकता है, बेशक ये हो सकती हैं। और ये अब ये ज़मीनी मैंने कि इतने मजबूत है, वाकई में पूरी दुनिया जानती है, बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। चाहे वो तुर्की की बात हो या सऊदी अरबिया का, फिर ईरान का, या फिर पाकिस्तान का, ये बहुत ज़्यादा मजबूती से अपने आप को खड़े करके खड़े हैं और बहुत ज़्यादा हिम्मत बनाते हैं अपने आप को लेकर। सो गाइस, आई होप ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी होगी और बहुत ज़्यादा ऑसम जानकारी मिली होगी आप लोगों को। अच्छी लगी तो पता नहीं क्या करना, अपने इसके भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना ताकि आपके भाई और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाए। सो गाइस, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So...